चक्कर ये हुआ है कि हम आ गए आगे। मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे गूगल आंटी नहीं चल रही, तो पता नहीं हम सही जा रहे हैं गलत, तो हम गलत हो गए थे। हमें अंकल से पूछा, अंकल पूछता रुक, अंकल टी गार्डन इस साइड है, टी गार्डन अंकल सब तो बेस्ट जगह देखने वाली ओही है। ठीक है अंकल, तो पूरा एंटरटेन करेंगे। मेहरबानी अंकल। ओके अंकल, थैंक यू अंकल। अंकल ने समझाता है, ऑल दो बटाले वाले पले घट ही पिया, पर फिर भी टेलीफोन एक्सचेंज रस्ते चाहिए सी BSNL दी, उधर लागे अंकल ने कहा भी हैगा वो थोनू पूरा मज़ेदार व्यू मिलेगा, सो आप उधर चले जाने हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, देखते हैं। रस्ते च एक सर्किट हाउस भी आया सी, सो मैनू मुन्ना भाई वाला सर्किट चेते आ गया। अब रस्ते में कुत्ते से पूछ लो, कुत्ते से पूछ लो, उन्हें कहना दो बंदर में बैठे तू पता नहीं गाइस, उत्तों लंघाउणा ही मेरे वीरे चिशदाई। फिर क्यों मोड़ रहे हो? इस करके मोड़ रहे हैं कि क्योंकि असी फिर अगे आ गया भाजी, वी आर डफर्स। त्रिवेदी ने सही कहा कि राजन वीर जी तुसी गुम हो जाना, तो राजन वीर जी वाकई गुम। ओ बाबा उस्ताद इत्थों ते भैन मुड़नी नहीं, इत्थों नहीं मुड़नी, गट्टी मुड़ जानी है वीर, पिछे तो कम लग जाना वा, मुड़ते गई है ओ नहीं, मैनू डर लगता ही, रुक पिछे सालिया खाई हूँ मुड़ सकती है, हूँ मुड़ी हूँ मुड़ी, मनो ना मनो इतने मेरी ड्राइवरी है ना जी पूरी टेस्ट हुई है। सो आफ्टर दिस डिफिकल्ट टर्न यू नो गाइस, पिछे सीधी खाई सी, ये बहुता पिछे लैके जाता ना एवं गड्डी होनी सी, हूँ आप वापस जा रहे हैं क्योंकि टी गार्डन फिर पिछे छड़ रहे हैं। इन्ना वक्त तो तेज भी की चलना हो बटाले वाले, आप हर जगह पर तेज हाँ, धोखे तो खाने भाजी तेज है, इन्हें पूछता रुक वीर, टी गार्डन आ गए हैं जी, टी गार्डन हाँ आगे भी यहाँ से सीधे चल जाना और लेफ्ट साइड लेना टर्न आपने नीचे, सड़क ही आएगी यहाँ पर, वो सीमेंटेड गली है ना, ना सीमेंटेड नहीं सीधे सड़क है ना यहाँ पे, हाँ एक नीचे जाती थी एक इधर आ गई, वो नीचे वाली जाना मेहरबानी है। शायद टी गार्डन शुरू हुआ है, ये पत्ते तो मेरे को वैसे ही लग रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, नॉट श्योर, बट हो सकता है आगे होगा, पर जो भी है तो खूबसूरत नाइस। अंकल टी गार्डन कितने आ? मोड़ भी लगे, मोड़ हाँ मोड़ लिखा हुआ है, है। फिर अगे आ गए हैं, वी आर लॉस्ट इन टी गार्डन गाइस, और जेड़ा मंदिर है मंदिर अगे है, चुप पहले मंदिर देख लेते हैं, पहले मंदिर देख लेते हैं उसके बाद टी गार्डन देख लेंगे क्योंकि वी आर लॉस्ट इन टी गार्डन गाइस, चलो मंदिर देख लेते हैं पहले। गाइस ये है यहाँ पे मंदिर, मंदिर का नाम है श्री दुर्गा माता कुनाल मंदिर, पंजाब अमृतसर, अमृतसर हाँ जी, मोबाइल नंबर ठीक है चलो भाजी इस साइड क्या है, इस साइड कुछ नहीं, इस साइड ये जो भी देखना है। मंदिर एंटर होने से पहले आपका टेम्परेचर चेक होगा, आपका एड्रेस और नाम लिखा जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो आपको ट्रेस कर सके, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आई लाइक दिस वेरी मच। भाजी सीधा ये वीर है ना नीचे, ठीक है वीरे, यहाँ पे जो व्यू है ना गाइस बा कमाल है, ये देखो बा कमाल व्यू है, बा कमाल, क्योंकि मंदिर काफ़ी हाइट पे है तो नीचे फिर आपको पता ही व्यू तो अच्छा हो गई। चलिए वीरे अंदर मत्था टेकन, अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, मैं नहीं कर पाया, मैंने मत्था टेका बाहर आ गया, प्रभु अपना जिगाड़ी है, उसने मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं से बीरो ले लिए हैं, तो अगर उसने लिए हुए हैं मैं आपको ज़रूर यहाँ पे अटैच करके दिखाऊंगा, बहुत सुकून है अंदर, बहुत
मतलब एक पीसफुल चीज़ है मेरे हिसाब से। प्रभु ने लिए हैं बी रोल, क्योंकि जितना वो टाइम अंदर लगा रहा है लिए हैं उसने, बस कहीं पकड़ा गया तो डांट बहुत पड़ेगी। और यहाँ पे अब यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, मतलब यहाँ से आए थे यहाँ से बाहर है मंदिर, तो यहाँ ख़त्म होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा व्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, क्या हाल है, ठीक हो, यहीं रहते हो, नाइस। और ये व्यू है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल। क्या खेल रही हो? स्टेपू खेल रही हो? अभी भी खेलते हैं आपके बच्चे, आपकी उम्र के बच्चे? हम, मैंने भी खेला, मतलब मैं लड़का था बट स्टिल मैंने खेला था। आजकल के बच्चे तो फ़ोन चलाते हैं, आप फ़ोन नहीं चलाती हो? नहीं चलाती हो? फ़ोन नहीं चलाती? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? थर्ड में, क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड के थर्ड के बच्चे फ़ोन नहीं चला रहे, हमारे पंजाब में छोटे छोटे बच्चे तक फ़ोन चला रहे हैं। नाइस बेटा, वेरी गुड। चलो अब बाहर जाते हैं, प्रभु की वहीं वेट करता हूँ, प्रभु अंदर मेरे हिसाब से पकड़ा ना गया हो, आया नहीं अभी तक बाहर, वो देखो अंदर पड़ा हुआ है, पकड़ा गया है, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ है अंदर। दिल तो बहुत कर रहा है मेरा कि थोड़ी देर और इस जगह पे बैठूं, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा शांति है। आई डोंट नो, शायद आपको हवा की आवाज़ सुन रही है कि नहीं, खर सुन रही है, इतनी शांति है, देखो, ओह माय गॉड, वाह कमाल हिसाब है। शायद हवा ना कैच की होगी, क्योंकि मैंने ये माइक लगवाया है तो उससे हवा थोड़ी कम आती है, बट अगर कैच की है तो आप मेरी भावनाएँ फील कर सकते हो कि कितना ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। अब यहाँ से जाने से पहले 2-3 मिनट यहाँ बैठेंगे, फिर टी गार्डन के लिए निकलूँगा। टी गार्डन ने बहुत घुमाया, इतना घुमाया टी गार्डन ने, इतना घुमाया टी गार्डन ने, टी हो गया हूँ मैं। और प्रभु आना अपने फ़ोन से शूट कर रहा है आज व्लॉग, कैमरा भूल आया था, वहाँ जो 2 बच्चियाँ थी उन्होंने आवाज़ दी, भैया आपका कैमरा रह गया है, तो फिर कैमरा लेके आया। एक होंगे बेवकूफ़, एक होंगे बहुत बड़े बेवकूफ़, उन्होंने तो बाद उन्हें ही आ रोड तो लंघ के गए हैं, एडा वड्डा बोर्ड लगा है, वो पढ़ो, वो भी इंग्लिश से लगा है, कीप काइंडली कीप द टी गार्डन प्रिमिसेस क्लीन, मतलब कि ऐ है टी गार्डन। चलिए देखिए भाजी, चलो भाजी, थोड़ी जी ऑफ रोड वाली ट्रैकिंग करिए, पता नहीं की हैगा ये, देख के जरूर आने अच्छे। चलो उन्होंने दिखाने कि टी गार्डन बड़ा हवा सी, कि टी गार्डन किन्ना क सुंदर, किन्ना क खूबसूरत है, दसदे हैं। गल बस ये है, इन्ना क रस्ता है तुरन वास्ते, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप से, सो डर लग रहा है कि कुछ लड़ लुड़ ना जाए। बाकी है तो बहुत खूबसूरत, देख सकते हो तुसी, खूबसूरती तो काफ़ी है, वह पिछे तुरया हों स्नैपचैटा बढ़ा बढ़ा, वह देखो खूबसूरत काफ़ी है, बस द थिंग इज़ आ तुरन वाला रस्ता थोड़ा घट है। अगे 2 जने बैठे, मैं उन्होंने एक बार पूछागा कि भाजी टी गार्डन है बस इन्ना की है या होर भी है, क्योंकि ना मैं सुनया सी हाइप कि बहुत सुंदर है, व्डा है, उस हिसाब ना शायद अगों भी कितों रस्ता पैंता होएगा, जो पैंता होया तो उधरों भी लोकेशन दिखावगा। ओके, हियर इट इज़, ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल। हूँ जी रूट्स हैं, वैसे इन्हों रूट्स इधर खिलड़ियाँ, अगर भूंड भी है, इन्होंने इंग्लिश पता नहीं येलो बीज कहते हैं, है ना, हाँ भाजी उ बैठे ना भाजी, इतों तक ही अगे भी है, बस खत्म है, होर भी कोई है टी गार्डन के पास, यही है, पता नहीं, रुको सुन नहीं रहा मुझे, गाइस पास जाके पूछता हूँ, स्यापा खाना रास्ता ही बड़ा उबड़ खुबड़ है, ये कहता था कैंपिंग करनी है भाई मेरी, यहाँ आके कैंपिंग यही होगी, मेनू कोई प्रॉब्लम नहीं, मेनू पता की प्रॉब्लम है, भाई मैं डर लगा कोई चीज निकल आई ना तो आप लड़ सकती है, यही है व्यू बस, इतना ही गार्डन, नीचे जो दिख रहा है वो है और यहां सामने जो दिख रहा है वही है, बस इतना ही, अब सीन तो आगे है, वो तो आगे क्या है, आगे भी है, एक्चुअली आगे है, जिस लोकेशन जो बता रहे हो ना वो आगे है, वो तो मेन उसमें है, चल मेन रोड के पास में ही है, वहां तो है नहीं कोई गार्डन, मतलब टी गार्डन यही है, फिर जा तो पालमपुर जाओ, अच्छा उधर भी टी गार्डन ही है, अच्छा ये उतना लंबा जा रहा है, नहीं वो दूजा होगा, ये यहीं तक है, ओके थैंक यू भाजी, चल आ जा वीर, ध्यान ना उतरिए, जिन्ना हुआ सी ना जिहड़े टी गार्डन अपने भाजी वाले, आ जिन्ना हुआ सी ना टी गार्डन इन्ना कुछ नहीं सी, कुछ नहीं जी, इन्ना आ गए इतों, बस थानू लड़ सकता थोड़ा जहा, हाँ एक एक गल चंगी, लेट मी टेल यू, इतने तुम सिनेमैटिक सोने लै सकते हो, बहुत ज्यादा जी, वो घंट हूँ आप भी लैन लगे, आप भी दिखाने थोड़ा,
ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਗਈ ਕਾਲ ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਭੂੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਫੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆਹ ਗਾਈਜ਼ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਊਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਊਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਫਲੋਜ਼ ਆ ਨਾ ਬਫਲੋਜ਼ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਫਲੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਬਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਕ ਆ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਕਾਊ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਕਾਊ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾਏ 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 ਮਾਤਾ ਹੈ ਹਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ ਬੈਲ ਮਾਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਕਲ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਰੋਡ ਮੈਂ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਜਬ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਠੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਇਨਮੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪੀਛੇ ਕੋ ਗਾੜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬੜੀ ਸਾਥ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਹਮ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਔਰ ਚੱਲ ਪੜੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ